बीजेपी अगर अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे दे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है वो हमारा मसला है, उनका मसला नहीं, उनकी जरूरत नहीं उनको सॉर्ट आउट करने की। परिवार में दो बातें होती है और आज की डेट में हम सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, चाहे हम उदय साहब की बात हो चाहे वो अशोक जी हो, हम चाहते हैं सब जीते और जीतेंगे भी। खट्टर साहब पहले अपनी सरकार अपनी पार्टी को संभालें, फिर दूसरों के जो मुद्दे हैं हम अपनी पार्टी को संभालने में खुद सक्षम है, उनकी जरूरत है। अरे मतलब बाहर के आउटसाइडर कैंडिडेट, देखिए आज जब मैं दिल्ली की पैदाइश हूँ और जब अशोक जी पहला इलेक्शन लड़े सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने अपने पासपोर्ट का एड्रेस खुद जाके बदलवा के सिरसा का करवाया, मेरा आधार कार्ड, मेरा राशन कार्ड, यहाँ तक कि मेरा घर और जो मेरी प्रोडक्शन कंपनी है GLM प्रोडक्शन वो भी सिरसा बेस्ड है। कोई भी प्रोडक्शन कंपनी हरियाणा में चाहे कोई भी हो, कोई भी हरियाणा बेस्ड नहीं, सबके ऑफिस बाहर है। उन्हें कहिए मुद्दे पे बात करें, रोड़ी साहब आप 5 साल MP रहे, मुद्दे की बात करिए, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड निकालिए और अशोक जी की निकालिए फिर बात करिए। भारी क्या मतलब क्या, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी नाते होने के लिए हम कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप ये तय नहीं करेंगे तो क्या संविधान में लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पे लिखेगा। आप पहले मुद्दे पे बात करिए कि आपने 5 साल क्या काम किया और आपसे ज्यादा हम सिरसा वाले हैं, आपने क्या काम किया और अशोक तंवर जी ने जो काम किया उस पे बात करें और आपसे ज्यादा हम यहाँ के हैं। आम जनता है, जब मैं जा रही हूँ तो आम जनता भी ये कह रही है कि प्लीज हमें भी, हमारी भी कोई ड्यूटी लगाओ, मुझे फतेहाबाद में लोग मिले, मुझे सिरसा में लोग मिले। तो जब आपको जो आम जनता है जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, अगर खुद जिम्मेवारी मांगे तो उसमें आपको उत्साह दिखता है और लोग खुद अब जुड़ रहे हैं, जो पिछली बारी था एक पता चल जाता है, इट्स मच बेटर। उत्साह तो डेफिनेटली है। देखिए आप पत्रकार हैं और आप लोगों को ज़्यादा पता है कि क्या काम हुआ। इनफैक्ट जो अशोक जी को काम कर गए थे वो कई काम तो रुक गए, जैसे शताब्दी रुक गई थी, वो अशोक जी इनसे मिले और उन्होंने कहा कम से कम जी और ट्रेनें नहीं तो कम से कम ये तो वापस चलवाइए। तो उन्होंने क्या काम किया क्या काम नहीं किया वो तो ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देती हूँ दूसरे पे कम। बट जितना आई जो मेरी नॉलेज, आई डोंट थिंक ही हैज बीन एबल टू डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। योगराज जी देखिए परिवार है, फैमिली है और उनका बड़ा बड़प्पन है कि वो अपनी शूटिंग बीच में छोड़ के स्पेशली, और अजय चंडोक जी बॉम्बे से आए हैं जो साडी मर्जी के डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने खुद क्योंकि परिवार है तो उन्होंने कहा कि हम, बल्कि मैडम का, नीना मैम का भी फ़ोन आया था कि वो किसी कारणवश आ नहीं पाई, तो मैंने कहा बाद में आइएगा। योगराज जी डेफिनेटली आए इसीलिए हैं, तो एज ए फैमिली मेम्बर यहाँ पे हैं। देखिए डेरे की जहाँ तक बात है, कोई हम आज से नहीं, जब हम पहली बारी बने थे तब से हैं और उसके बावजूद मैंने उस दिन भी मेंशन किया और मैं कई बारी कह चुकी हूँ कि जब इलेक्शन नहीं भी होता था, रूबरू नाइट होती थी, मैं तो वैसे भी जाती थी, बच्चों को हम लेके जाते रहे हैं और वहाँ पे जो उनके रेस्टोरेंट थे वहाँ पे खाना खाना, वहाँ पे शॉपिंग करना। तो दिस वॉज नॉट की सिर्फ बिकॉज ऑफ इलेक्शन, आई हैव बीन अ कॉन्स्टेंट विजिटर। और जहाँ तक देखिए बात है कि वो किसे सपोर्ट करेंगे, देखिए उनको बेहतर पता है कि क्या किसको करना चाहिए और कौन इस लायक है कि किसको करना चाहिए, तो वो तो उनका डिसीजन होगा। देखिए हम तो ये चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें मिले, वो अशोक जी के सर पे हाथ रखें और अगर वो आशीर्वाद दे देते हैं साथ हमारे अशोक जी को सर पे हाथ रखते हैं तो उसी में ही सब कुछ है।